हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज हम इस वीडियो की बात करने वाले हैं जो कि मेरे बगल में आप देख सकते हैं। आज इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें जो कलर जो है शर्ट का वो चेंज कैसे हो रहा है, इसी को मैं आज इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूं। क्योंकि इसके बारे में मुझसे एक भाई ने इंस्टाग्राम पे पूछी थी कि भाई इसका ट्यूटोरियल दो मुझे कि कैसे ये बनती है। वैसे आपको मैं बता दूं, ये ट्यूटोरियल बहुत ही पुराना है और मैंने इससे पहले भी दिया है इसका ट्यूटोरियल, लेकिन आज मैं इसलिए दे रहा हूं कि नए लोग जो आए हैं टिकटॉक पे चाहे इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसे बनता है ये देख सकते हैं। आपकी आपको कोई भी कलर का शर्ट नहीं चेंज करना है, आपको बस एक शर्ट पहनना है और उसका कलर अपने आप चेंज होते जाए, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है जो कि शर्ट कलर चेंज होता है और लाइटनिंग इफेक्ट भी उसमें लगता है कि कुछ बल्ब जल रहा है अंदर से, इस तरह से इफेक्ट लगता है। तो आज मैं इसी को मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। साथ में इस वीडियो के लिए आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, मुझे फॉलो करना है वो कर सकते हैं या कुछ सुझाव देना है वो दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना भूल गया कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बस छोटा सा ट्यूटोरियल है, बस आपको जानना है कि कैसे इसे बनाना है, तो पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा। हमें करना है कि यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि फुल स्क्रीन टिकटॉक के लिए अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आ जाएगा इंटरफेस और यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले मीडिया में जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है, देख सकते हैं जितना भी कलर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको टिक करना है, इसको आपको इस प्रकार से रखना है, सो हम बता दें। तो अब यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए हमको सबसे पहले एक सॉन्ग ले लेना है जो कि आपको मतलब कि यहाँ पे लगाना है। सॉन्ग के अनुसार ही इस वीडियो में मिक्स कीजिएगा, जैसे कि आपका सॉन्ग का जो बेस का रहता है म्यूजिक उसके हिसाब से शर्ट का कलर चेंज होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट म्यूजिक अलग है साउंड अलग है और शर्ट का चेंज कर देते हो कलर तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमें सॉन्ग कैसे लगाना पड़ेगा, या तो आप अपना खुद का सॉन्ग लगा सकते हैं, ऑडियो में जाकर इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे तो लग जाएगा, और नहीं तो कोई टिकटॉक में जो वायरल सॉन्ग है उसे लगाना चाहते हो तो आप टिकटॉक वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपकी गैलरी में आएगी तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो आपने डाउनलोड किया है वो कैमरा में होगा वहां से जाकर उस वीडियो को ले आना है। तो ये वीडियो है और इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सीजर पे चलते हैं और एक्सट्रैक्ट रेडियो कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से सॉन्ग ही है और इतना सारा ये सब आ रहा है, इसे हम कैसे एकदम साउंड के साथ में मिलाइए, पहले हम इसको सबको छोटा कर लेते हैं इस प्रकार से जो कि 1-1 सेकेंड का रहेगा और इस प्रकार से हमें छोटा कर लेना है। और छोटा करने के बाद क्या करना है सो हम आपको बताते हैं। आपको कलर पसंद नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, इतना आ गया एकदम बराबर में, और मान के चलिए कलर आपको नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। कैसे नहीं दे सकते, यहाँ पे कलर पर टैप कीजिएगा, आपको दूसरा लगाना है लगा सकते हैं, इस प्रकार से चेंज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको लगता है ये अच्छा नहीं लगता तो हमें इस प्रकार से लगाना है, तो यहाँ पे इस प्रकार का कलर हम चेंज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको टिक कर देना है, ये एकदम आप साउंड के साथ में मिलाइएगा, साउंड मान के चलिए यहाँ तक आ रहा है तो इसको टैप कीजिएगा, इस प्रकार से आप बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो साउंड इतना ही रहना है तो इतना रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, आपको एक नॉर्मल कैमरे से वीडियो शूट कर लेनी है। किस प्रकार से आपको हम ध्यान से बता देते हैं, कोई एक कलर का कपड़ा रहना चाहिए, चाहे लाल हो चाहे हरा हो, हरा रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और दूसरा कलर रहेगा तो भी चल जाएगा काम, लेकिन हरा वाला बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने इस तरह का कपड़ा पहना था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान के चलिए इतना पहले का आ रहा है मतलब जो यूज नहीं करना है, इसे हटाने के लिए यहाँ पे सीजर पे जाएंगे और लेफ्ट साइड को ट्रिम करना है कर देते हैं और इस पर टैप करके रखेंगे, वाइब्रेट होगा तो यहाँ तक खींच के ले आएंगे, ऐसे ऐसे ले आएंगे और इसको क्या करना है, यहाँ से इसको इस प्रकार से बड़ा कर देना है। आपको बड़ा करना है तो ऐसे कर सकते हैं मिला के, नहीं तो यहाँ पे बीच में ऑप्शन है इस पर जाना है और स्प्लिट स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देंगे तो भी ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो ये वीडियो हो गई इस प्रकार से, अब इसको हम मिलाएंगे कैसे, तो यहाँ पे इस पर टैप करना है और नीचे जाना है, क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा है इसमें जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने से आपको कुछ इस प्रकार से कलर बदल जाएगा, लेकिन सब कलर भी सामने सामने जो भी दिखाई दे रहा है वो सब में भी आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमको ये जो शर्ट था उस कलर का चेंज करना था तो यहाँ पे हम क्रोमा की में ही रहेंगे, यहाँ पे की कलर है इसमें जाना है और शर्ट का कलर जिस रंग का उसी रंग का रखिएगा। तो इस प्रकार से मेरा कलर था, अब तो यहाँ पे पूरा में आ रहा है तो इसे हम अच्छा तरह से मिलाएंगे इस प्रकार से, तो देख सकते इस प्रकार से मिल गया बहुत ही अच्छा। और नहीं मिले यहाँ से तो डिटेल कर्व में भी जाके इस प्रकार से आप मिला सकते हैं,
जो कि बहुत ही अच्छा लगे। अब आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से वीडियो देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कलर एकदम चेंज होते जा रहा है, जो ऐसा मैंने यहाँ पे लगाया वैसा ही यहाँ पे कलर चेंज होके आ रहा है। उसके बाद आपको एक और बात बता दूँ, आपने यहाँ सॉन्ग लगाया अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में साउंड कम हो जाएगी, तो इसके कम ना हो इसके लिए आप सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। उसके बाद इसको टिक कीजिएगा तो लास्ट में जो सॉन्ग है वो कमता है वो नहीं कमेगा। उसके बाद आपको यहाँ से शेयर करके एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, शेयर बटन पर टैप करना है और यहाँ पे 720p में 30 फ्रेम रेट के साथ 10 MB प्रति सेकेंड में कीजिएगा। बहुत लोगों का होता है क्या, फुल HD सेलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं और टिकटॉक में शेयर नहीं हो पाता, तो वो बोलते हैं कि मेरे में शेयर नहीं होता, और यहाँ पे HD 720p में कीजिएगा तो ही शेयर होगा, ऐसे नहीं। तो ऐसे करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा तो आपके गैलरी में ये चली जाएगी। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।